ये देखिए कितना अच्छा दही बनकर के तैयार हुआ है। इसकी थोड़ी सी मलाई मैं उतार कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी अच्छी मलाई आई है दही पर, और थोड़ा सा कट करके हम इसे बाउल में डालेंगे। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, बिल्कुल एक समान दही जमकर तैयार हुआ है। हलवाई वाले भी इसी तरीके से दही जमाते हैं, तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ हलवाई वाले तरीके से दही जमाने की एक ट्रिक, जिससे चाहे सर्दी हो या गर्मी आपका दही एक समान जमेगा और बिल्कुल भी पानी नहीं होगा उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में दही जमाने का एक आसान सा तरीका। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी न्यू रेसिपीज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो गाढ़ा मलाईदार दही जमाने के लिए हमें लेना होगा फुल क्रीम मिल्क। तो मैंने यहाँ पे आधा केजी फुल क्रीम मिल्क लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम दूध को उबालेंगे, और जैसे ही दूध में उबाल आने लगेगा हम एक चम्मच लेंगे और उसकी हेल्प से हम सारी मलाई को दूध में मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मलाई को मिक्स कर देना है, और इसे हम एक मिनट तक लो फ्लेम पर ही उबालेंगे। इस तरीके से उबालने से दूध पे अच्छी गाढ़ी मलाई आएगी और दही अच्छा जमकर तैयार होगा। और एक मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूध को हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे बाउल में। तो मैंने यहाँ पे एक स्टील का छोटा बाउल लिया है, आप चाहे तो प्लास्टिक का या मिट्टी का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और ये दूध हम इस बाउल में डाल देंगे। दूध डालने के बाद ये देखिए 2 मिनट के बाद ही कितनी अच्छी मलाई आ गई है। तो अब हम चम्मच लेंगे और इसे हम फेंटेंगे इस तरीके से, झाग बनाते हुए हम ऊपर से नीचे इसे फेंटेंगे। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दूध को ठंडा नहीं होना चाहिए, अगर दूध ठंडा हो गया तो आप इसे मारेंगे। तो 2 मिनट के बाद ये देखिए कितने अच्छे झाग आ गए हैं दूध पर। तो यही मलाई जमकर तैयार होगी दही। तो हमने दूध को फेंट लिया है अच्छे से, अब हम इसे 15 मिनट के लिए पंखे के नीचे ऐसे ही रहने देंगे ठंडा होने के लिए। और 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे कि दूध जमने के लिए तैयार है या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम दूध को गुनगुने होने तक चेक करेंगे। अंगुली बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए दूध में, लेकिन सर्दी में हमें दूध को थोड़ा सा गर्म रखना है, ताकि 2 मिनट के बाद हमारी अंगुली थोड़ी सी जले और हमें लगे कि हाँ दूध अभी गर्म है। दही जमाने के लिए दूध तैयार है। अब हम एक टॉवल लेंगे, आप कोई भी कंबल ले सकते हैं या कपड़ा ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे किचन टॉवल लिया है। अब हम दही वाले बाउल को इस कपड़े के ऊपर रख देंगे। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप कपड़ा ना भी लगाएं, लेकिन गर्मी हो या सर्दी अगर आप इस तरीके से दही जमाएंगे तो एकदम गाढ़ा दही जमेगा और बहुत जल्दी जमेगा। तो दही पर जो मलाई आ गई थी इसे मैं थोड़ा सा हटा दूंगी, और बिल्कुल सारी मलाई नहीं हटानी है हमें। अब हम दही में जामुन लगाएंगे। तो जामुन लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एकदम गाढ़ा दही लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ऐसा ही दही लेना है हमें। तो आधा किलो दूध के लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून दही लिया है, और 1 टीस्पून दही को हम 4 या 5 बार करके डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें इस तरीके से एक साइड में दही डाला है, अब दूसरी साइड में दही डालेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दही हम 3 से 4 बार डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 बार दही डाला है, और बिल्कुल भी हमें दूध को हिलाना नहीं है दही जमाने के लिए। तो जामुन मैंने इसमें लगा दिया है, अब हम इस पर कवर लगा देंगे। कवर लगाने के बाद हम इस पर एक और कपड़ा लगाएंगे। तो मैं सेम टॉवल को इसके ऊपर फोल्ड कर रही हूँ कवर करने के लिए। अगर सर्दी में आप इस तरीके से दही जमाएंगे तो दही बहुत अच्छा जमकर तैयार होगा। मैंने यहाँ पे दही जमाने की पूरी प्रोसेस आपके साथ शेयर की है। तो इस तरीके से अगर आप दही जमाएंगे तो सर्दी हो या गर्मी एकदम अच्छा और एक समान दही जम करके तैयार होगा। तो मैं इसको फिर से कवर कर दिया है, और इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे। तो हम इसे थोड़ी सी गर्म जगह पर रखेंगे, और हमें इसको बिल्कुल भी छूना नहीं है जब तक कि दही अच्छे से ना जम जाए। और 6 घंटे के बाद मैं इसका कवर हटा रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा दही बनकर के तैयार हुआ है। तो इसे जमने के बाद हम तुरंत इसे फ्रिज में रख देंगे, तो इस पर जो मलाई होगी वो एकदम गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छी मलाई आई है इस पर, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एकदम गाढ़ा मलाईदार दही बिना पानी वाला।